नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी आईटी कंपनी की दोस्तों जो अब एक बड़ा ब्रेकआउट देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एनालिस्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकती है और वो ब्रेकआउट स्टॉक को 20% से भी ऊपर का रिटर्न आपको दे सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या वो टेक्निकल सेटअप है जिसके कारण आपको इस स्टॉक में एक तेजी, एक शानदार रैली देखने को मिलेगी। ऐसे तमाम चीजों में चर्चा करूंगा और दोस्तों ऐसे ही वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ, आपको देखता हूं, दिखाता हूं। देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि TCS, ठीक है, TCS। आपको अगर मैं बताऊं दोस्तों इसको, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1% से ज्यादा की तेजी, और देखिए 3200 से आसपास ना इसने काफी अच्छा तेजी दिखाई है। कैसे, मैं इसको आपको थोड़ा चार्ट में दिखाता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे 1 महीने में तो ये देखिए 3300 के आसपास, और 6 महीने में आप देखेंगे तो ये स्टॉक ने, ये देखिए 3200, 6 जनवरी को वहां से एक शानदार तेजी दिखाई थी लगभग 10 से 11% की, और वापस से गिरावट दिखाई 33%। यानी कि मैं आपको बता दूं कंपनी के लिए, जो शेयर प्राइस के लिए 3200 से लेकर के 3300 का जो लेवल है दोस्तों, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंस की, लेकिन टेक्निकल चार्ट क्या कहता है इसके लिए मैं आपको यहां दिखाता हूं। आप देखिए, TCS पार्ट ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर, स्टॉक प्राइस बाउंडेड आफ्टर रेजिस्टिंग द ब्रेकआउट जोन प्लेस अराउंड 3200। मैंने आपको जो दिखाया 3200 के ऊपर ब्रेकआउट होने की बात हो रही है, जो मोमेंटम है दोस्तों उसने स्टॉक को हेल्प किया 50 DMA के ऊपर जाने में, और इट हैज आल्सो ओपन रूम, उसने वो दरवाजे भी खोल दिए हैं जिसको स्टॉक 4000 भी एक बार छूता हुआ आपको दिखाई देगा। कितना, 4000 के लेवल्स भी आपको ये स्टॉक छूते हुए दिखाई देगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे। आप देखें, नाउ द स्टॉक इज पार्ट ऑफ S&P BSE सेंसेक्स, रोज मोर देन 1% ए वीक, ओवर द 7% इन अ मंथ, पिछले 1 महीने में 7%, और हफ्ते भर में 1% ज्यादा की तेजी दिखाया है, और 3 महीने के बेसिस पे देखेंगे तो स्टॉक 10% से ज्यादा भागा है दोस्तों। जी हाँ, 3 महीने में 10% से ज्यादा के रिटर्न। और बात करें प्राइस एक्शन की दोस्तों, इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन, तो जो स्टॉक प्राइस दोस्तों वो जो ट्रेडिंग अबव मोस्ट ऑफ द क्रूशियल शॉर्ट लॉन्ग टर्म, जो भी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज होते हैं उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, चाहे वो 5 दिन का हो, 10 दिन का हो, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, और 200 DMA के ऊपर के लिए, जो कि एक पॉजिटिव साइन है दोस्तों बुल्स के लिए। ठीक है, और आप देखें द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ऑल्सो ट्रिगर्ड अ बाय ऑन द वीकली चार्ट फॉर द वीक एंडेड 30 जनवरी, इट हैज ऑल्सो गेट अ ब्रेकआउट फ्रॉम कप एंड हैंडल पैटर्न ऑन द डेली चार्ट, कप एंड हैंडल के डेली चार्ट को तोड़ के जा रहा है, और एक काफी पॉजिटिव साइन जो हमको ये स्टॉक यहाँ पे दिखाता हुआ दिखाई रहा है, शो कर रहा है, यानी कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बन रहा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, आप देखें तो RSI 66.1 है, RSI आप कह लेंगे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है इज अ 66.1, और 30 के नीचे ओवरसोल्ड कहा जाता है और 70 के नीचे ओवरबॉट, तो अभी ना ये ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है दोस्तों। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म चार्ट की, जैसे कि मंथली, तो TCS 10 मंथ के हाई में ये इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव अंडरटोन चल रही है स्टॉक में इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, और द स्टॉक हैज फॉर्म्ड CIP फॉर्मेशन, चेंज इन पोलैरिटी नियर 2900 लेवल एंड बॉटम आउट नियर सेम रेंज। ठीक है, 2900 के आसपास का टेली जाए बॉटम बनता दिखाई दे रहा है, और 3200 के ऊपर एक शानदार रैली जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ जो इतने शानदार पॉजिटिव सिनेरियोस बन रहे हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि यहाँ से शायद एक बड़ी तेजी आपको स्टॉक में होते हुए दिखाई दे सकती है, जो आपको 4000 की लेवल भी छुआ सकती है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।